प्रदेश का सबसे बड़ा गांजा कांड में नया मोड़ सामने आया है, जहां क्षेत्रीय सांसद ने गांजा कांड में 45 दिवस बीतने के बाद भी सांसद को नहीं पता था कि तराना में कोई गांजा पकड़ाया था। वहीं पूर्व सांसद व भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष ने नारकोटिक्स विभाग व स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी नारकोटिक्स पर जानकारी न देने का आरोप लगाकर एक बार फिर गांजा कांड में लिप्त आरोपियों को छुपाने की कोशिश नाकाम कर दी। 15 अगस्त की सुबह आंध्र प्रदेश से तराना की ओर आ रहा मुर्गी दाना व चावल चुरी ला रहे ट्रक के बीच नारकोटिक्स विभाग व तराना पुलिस ने 13 क्विंटल 76 किलो गांजा जब्त किया था और नारकोटिक्स शुरू से ही 10 से 12 तराना के प्रमुख गांजा व्यापारियों को और अन्य लोगों के नाम सामने आए थे। जांच चल रही थी पर अचानक ट्रक में पकड़े गए ड्राइवर और कंडक्टर पर ही पूरा मामला बनाकर अन्य आरोपियों को मामले से बाहर किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व चिंतामणि मालवीय ने पूरे मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन को फेलोर बताकर एनसीबी पर भी आरोप लगाए हैं। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि मुझे पता ही नहीं कि तराना में कभी गांजा पकड़ाया था। मीडिया के माध्यम से पता चला व 15 दिवस बाद भी जाँच पूरी नहीं होने के सवाल पर पुलिस अधीक्षक को आदेश देने की बात सांसद अनिल फिरोजिया ने कही है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र वर्मा ने टीम को बताया कि जांच एनसीबी कर रही है व एनएसए के लिए जानकारी मांगी गई थी पर अब तक जानकारी नहीं दी गई है। पूरे मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन व नारकोटिक्स विभाग की नाकामी देखी जा सकती है। अब देखना होगा कि मामला प्रदेश स्तर तक पहुंचने के बाद दोनों विभाग मामले में मुख्य आरोपियों पर क्या शिकंजा कसते हैं। निश्चित रूप से प्रशासन का फेलियर है, पुलिस और एनसीबी दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, क्योंकि 13 क्विंटल की जो मात्रा है ये बहुत बड़ी मात्रा है और ऐसा नहीं कि पहली बार आई होगी, इसका मतलब कि लंबे समय से चल रही है। यह भी सुनने में आया है कि वो जो जिनके यहाँ पकड़ी गई उन ये जो गांजा पकड़ा गया उन्हीं के यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी खड़ी रहती थी हमेशा और उस एम्बुलेंस से गांजा सप्लाई होता था। और अगर ऐसी बात है तो बहुत गंभीर रह करके करना चाहिए। सुनने में ये भी आया कि केवल ड्राइवर और एक कंडक्टर को आरोपी बनाया है और मूल अपराधियों को छोड़ दिया गया है। ये सवाल हमारी पीढ़ियों का है, ये सवाल हमारी जनरेशन का है और ये हमारे शांति और व्यवस्था का भी सवाल है। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी के लिए हमें इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी ही होगी। मेरे को आपके द्वारा जानकारी मिली है, ये मेरे को भी जानकारी नहीं, गांजा पकड़ाया तो मैं पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जिन जिनसे पकड़ाया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ये उनकी लिंक पकड़ना चाहिए, इसमें कौन कौन साथ मिले हुए हैं। मैं अभी और पुलिस अधीक्षक से बात कर लूँगा और मैं जानकारी लूँगा कि अभी तक क्या स्थिति रही जी, और मैं उनको बताऊँगा कि जो भी है लिप्त उसमें उसको बख्शा नहीं जाए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा एक कार्रवाई की गई, जिसमें मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 1300 किलो गांजा जब्त किया गया जी। एनसीबी द्वारा इसमें जांच की जा रही है और जो फरार आरोपी है इसमें और जो अन्य आरोपी है उनकी भी जांच एनसीबी द्वारा की जा रही है, हमारे द्वारा अपने स्तर पे भी जांच की जा रही है। इस तरह का कोई अगर अवैध गांजे का व्यापार हो रहा है इस तरह का तो उस पर हम लोग नज़र बनाए रखें, लगातार इस बात पर नज़र बना के रखे हुए हैं कि इस तरह का कोई भी गांजे का जो है अवैध व्यापार क्षेत्र में न हो। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।